हूँ शैली की तरफ से नमस्कार। आपको बता दें कि मालवा का मिनी कश्मीर और आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र नरसिंहगढ़ शहर अनेक अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। आए नजर डालते हैं एक बार पूरी खबर पर। सबसे ज्यादा परेशानी 4 वर्ष से उखड़ी पड़ी सड़कों से गाली गलौज को लेकर मुख्य मार्गों को हर सड़क खुद पड़ी है। आपको बता दें बारिश के समय टूटी पड़ी सड़क को देखकर आम नागरिकों को दो पहिए वाहन वालों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर प्रतिनिधि निवेदित जिले में कार्यभार में संभालने के बाद ही आपको बता नगर का निरीक्षण किया है। वहीं सड़कों और गंदी अतिक्रमण को आदि को लेकर नोटिस लेते हुए SDM ने नपा CMO को तत्काल व्यवस्था सुधारने का निर्देश भी दिया है, लेकिन इन निर्देश पर लंबा समय गुजर पड़ा है। कलेक्टर और आपको बता दें कि SDM और नगर पालिका अध्यक्ष कोई भी व्यवस्था का सुधार नहीं किया है। सड़कों की हालत ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। जैसे कि आपको तस्वीरें में दिखाया जा रहा है कि 26 जनवरी 15 अगस्त के किसी VIP का आगमन पर चिट्ठी चोरी डालकर गड्ढे छुपाए जाते हैं, लेकिन इस बार आपको बता दें लाखों रुपए के व्यवस्था होने के बाद दर्शाया जाता है कि लेकिन मार्गों का निर्माण नहीं अभी तक हुआ है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। हर साल बहुत काम कर देती है नगरपालिका, मटेरियल डलवा देती है, अपना पैसा निकाल लेती है। 4-5 साल से कोई काम नहीं हो रहा, चूड़ी डलवा देती है। 15 अगस्त आते हैं वो मट्टी पट्टी हो जाती है रोडों की, थोड़ी बहुत जैसे अपने पैरों की होती है, हाथ पैरों की होते हैं और काम हो जाता है। बाकी सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो देखो सभी अधिकारी वगैरह सब। आज एक्चुअली मैं नरसिंहगढ़ विजिट करने आई थी, जो यूजुअल में रूटीन के दौरे के दिन रहते हैं। नरसिंहगढ़ नगर पालिका से संबंधित कुछ शिकायतें जो हैं लगातार कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही थी जन सुनवाई में और अन्य माध्यमों से, तो इसलिए मैंने प्लान किया था कि आज नरसिंहगढ़ आकर के नगर पालिका का पर्यवेक्षण किया जाए। तो यहाँ पर मैंने मुख्यतः मुख्यमंत्री शहर का लगभग 3 किलोमीटर का नगरीय क्षेत्र जो है, लगभग इसके सभी इम्पोर्टेंट स्पॉट्स मैंने विजिट किए और इसमें खास करके मैंने देखा कि नगर पालिका के लिए कुछ प्रस्ताव बना के भेजा है सौंदर्यकरण के लिए। तो क्या भेजा अपने उसमें? अपने नगर के सौंदर्यीकरण के लिए जो सड़कों का अभी बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है लोगों को, तो उसको सड़कों का DPR बनाकर तैयार करके भेज दिया है और जैसे आएगा तो सड़कों का निर्माण किया जाएगा और सड़कों का भी चौड़ीकरण का प्रस्ताव भेजा है। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।